तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नोकिया एक्स 100 के बारे में। तो आखिर क्या होगी इसकी स्पेसिफिकेशन, कैमरा क्वालिटी, बैटरी क्वालिटी, और आखिर कब तक लॉन्च होगा ये, तो उसके बारे में दोस्तों कुछ बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक कंसेप्ट वीडियो है, तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस और स्वागत है आज के हमारे यूट्यूब चैनल टेक्थोर में। दोस्तों टेक्थोर चैनल पर आपको फोन की रिव्यू सबसे पहले मिलेंगे, तो इसी वजह से इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी 6.8 इंच की डिस्प्ले, फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल के साथ। सिक्योरिटी के लिए आपको फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन। दोस्तों बैक साइड आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़िया है। कैमरे के हिसाब से दोस्तों अभी कोई खुलासा तो हुआ नहीं, लेकिन दोस्तों ऐसी बात चल रही है कि इसके अंदर पेंटा कैमरा या क्वाड कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जैसा वीवो लेकर आया था सबसे पहले क्वाड कैमरा, तो सेम दोस्तों ये पेंटा कैमरा लाने की तैयारी में। तो देखते हैं दोस्तों आखिर पेंटा कैमरा कैसा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रंट साइड में आपको सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 32 मेगापिक्सल तक का होगा। तो ऐसी दोस्तों बात लीक में आई है हमारे पास ट्विटर की तरफ से। वही दोस्तों चार्जिंग सिस्टम के लिए आपको नीचे की तरफ 3.5 mm का जैक मिलेगा, वो भी टाइप सी केबल के साथ। वही दोस्तों इसके अंदर बैटरी आपको 5000 mAh के तक देखने के लिए मिल सकती है, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़िया बैटरी है। वही दोस्तों प्रोसेसर के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्नैपड्रैगन 865 हो तो अच्छा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मीडियाटेक ही डाला जाएगा इसके अंदर, जैसे हर बारी मीडियाटेक का ही डाला जाता है। वही दोस्तों इसी के साथ साथ आपको पावर अप वॉल्यूम बटन भी देखने के लिए मिलेगा, और डाउन वॉल्यूम बटन भी देखने के लिए मिलेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिल सकता है। वही दोस्तों स्पीकर के हिसाब से आपको देखा जाए तो फ्रंट नीचे के साइड में आपको स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे, जैसा आप आज के टाइम में नीचे की तरफ स्पीकर आ रहे हैं, सेम ऐसी तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। वही दोस्तों अगर आप बाइकआउट चाइना की मुहिम में लगे हुए तो आपके लिए फोन जो बहुत ज़्यादा बढ़िया। वैसे दोस्तों आपको आई बटन पर बहुत से फोन देखने के लिए मिल जाएंगे, लावा का, माइक्रोमैक्स का भी फोन देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप एक इंडियन फ़ोन की तलाश में हो तो। लेकिन दोस्तों ये फ़ोन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नोकिया का फोन दोस्तों चाइनीज़ फ़ोन है नहीं, और इसके अंदर कुछ भी शेयर चाइना का नहीं है। दोस्तों सेम आपको स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे नीचे के साइड में, और टाइप सी पोर्ट देखने के लिए आपको मिल जाएगा। वहीं दोस्तों इसके अंदर गेमिंग एक्सपीरियंस आपके बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों अच्छा वाला प्रोसेसर यूज़ है। 4K वीडियो रिलीजन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरे के हिसाब से दोस्तों इसमें आपको 10x का जूम देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो क्वालिटी। तो दोस्तों ये था नोकिया एक्स 100 कैसी लगी आपको वीडियो, अगर चैनल पर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि लेटेस्ट फोन की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।